नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इन दिनों पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी तमाम संकेत निकल रहे हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पंजाब के मतदाताओं का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा हुआ है। यह अभी 3 से 4 दिन तक लगा रहने वाला है। इस भीड़ के बीच चर्चा का सबसे बड़ा मसला स्वाभाविक तौर पर पंजाब का चुनाव ही बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, दरअसल वाराणसी में एक जगह है सिर गोवर्धन या भक्ति मार्गी संत रविदास की जन्मस्थली कही जाती है। यहाँ हर साल संत रविदास की जयंती पर 3 से 4 दिनों का बड़ा आयोजन होता है। इस बार चूंकि संत रविदास की जयंती 16 फरवरी यानी कल पड़ रही है, इसलिए यहां हलचल और तैयारियों जोरों पर है। आयोजन 18-19 तारीख तक चलने वाला है और पंजाब से इस आयोजन का संबंध ये है कि वहां बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग संत रविदास के पथ को मानते हैं। इस समुदाय को रविदासिया कहा जाता है। जालंधर का डेरा सचखंड बल्ला इस समुदाय का प्रमुख केंद्र या डेरा हर साल विशेष ट्रेनों से रविदासिया समुदाय के अनुयायियों को इस सालाना आयोजन के लिए वाराणसी लाता है। वहीं इस बार भी लाया गया है। पंजाब के चुनाव में रविदासिया समुदाय की बहुत ज्यादा अहमियत है। इतने ही भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को रविदास जयंती के आयोजन के मद्देनजर ही पंजाब में चुनाव की तारीख बदलनी पड़ी है। जी आपको बता दें, पहले वहां 14 फरवरी को वोट डाले जाने थे, लेकिन चूंकि बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन के लिए वाराणसी आ रहे थे, इसीलिए ईसीआई ने पंजाब में मतदान की तारीख आगे बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी है। इस फैसले से रविदासिया समुदाय के सभी लोग खुश हैं, जैसे सिर गोवर्धन के लंगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कुलवंत सिंह द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहते हैं, अब हम संत रविदास जयंती की संगत में हिस्सा ले सकेंगे, फिर घर लौटकर वो भी वोट दे सकेंगे। हालांकि रविदासिया समुदाय के लोग इस पर एक राय नहीं नजर आते। क्यों कहते हैं, मेरा वोट तो चेन्नी महाराज और कांग्रेस को जाएगा, मैं उन्हें क्यों ना दूं। आखिर पहली बार किसकी पार्टी ने दखिल सिंह को मुख्यमंत्री बनाया है। वही लेकिन दिलबाग ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं, हमने कई बार कांग्रेस और अकालियों को मौके दिए हैं, लेकिन अब बदलाव की जरूरत है। मैं आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला हूं, क्योंकि सफाई तो झाड़ू से ही होगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठबंधन इस बारे में लुधियाना के गुरजीत सिंह की राय। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के संघर्ष को याद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें उनकी वजह से दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में हमको महीनों सड़कों के किनारे रहना पड़ा।